हेलो एवरीवन, दिस इज मी ऋतिका उपमन्यु और आप सभी का स्वागत है न्यूज मीडिया 47 की बुक रिव्यू सीरीज में। तो आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक बुक नहीं, वो एक प्रॉमिस है। एंड उस बुक का नाम है विल यू स्टिल लव मी बाय रविंद्र सिंह। रोमांस जॉनर में हमने कई सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, बट इस बुक की जो स्टोरी है वो उन बाकी बुक से काफी ज्यादा डिफरेंट और यूनिक है। इस बुक के प्रोटैगनिस्ट का नाम है राजवीर एंड लावण्या। लावण्या जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल है एंड राजवीर एक बहुत ही चार्मिंग एंड सक्सेसफुल लड़का होता है। तो इन दोनों की जो पहली मुलाकात होती है वो फ्लाइट पे होती है एंड देयर लव वाज लाइक लव एट फर्स्ट फ्लाइट। उनकी पहली ही मीटिंग में उन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि हाँ, उनके बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। एंड उस टाइम डेस्टिनी भी उनका साथ देती है एंड वो दोनों दोबारा मिलते हैं पटियाला में। तो पटियाला में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद उन दोनों को रियलाइज होता है कि हाँ, उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। तो कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं एंड दे वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी कपल। सो अपनी रिलेशनशिप के कुछ सालों के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो शादी करें। द प्रॉब्लम इज कि राजवीर जो होता है वो एक पंजाबी लड़का होता है, लावण्या जो होती है वो एक नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल होती है, मतलब वही कास्ट उनको सेपरेट करके रखती है। एंड इस बीच में राजवीर की फैमिली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है बिकॉज दे वर अ प्रॉपर टिपिकल पंजाबी फैमिली एंड उनका शुरुआत से यही था कि उन्हें एक पंजाबी लड़की से ही उसकी शादी करानी है। बट काफी मेलो ड्रामा सहने के बाद, फैमिलीज की ताने सुनने के बाद, उसकी फैमिलीज एट द एंड उनकी शादी के लिए मान जाती है। बट कहते हैं ना, लाइफ जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल होती नहीं है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी राजवीर और लावण्या की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, वो एक ऐसी रात आती है जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है हमेशा के लिए। एंड उस इंसिडेंट की वजह से राजवीर लावण्या को ऑलमोस्ट खोने की कगार पे आ जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या लावण्या उसकी लाइफ में वापस आ पाएगी? क्या उनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो पाएगी जैसा उन्होंने सोची थी? सो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। इस बुक की जो लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा सिंपल है एंड जो प्लॉट क्रिएट करा है ऑथर ने वो काफी ब्यूटीफुली क्रिएट करा है कि उसमें कैरेक्टर से लेके लोकेशन तक हर एक चीज बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब है। मुझे इस बुक की सबसे बेस्ट चीज ये लगी कि इसमें ऑथर ने जिस तरह से पंजाबी कल्चर को डिफाइन करा है, तो ये बुक हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। वो कहावत है ना, वी रीप व्हाट वी सो। एग्जैक्टली, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। कि जैसे हम काम करेंगे हमें उसका वही रिजल्ट मिलने वाला है आगे लाइफ में। एंड द सेकेंड थिंग कि कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। कर्मा, हमारे कर्म जितने भी हैं, जो भी हम चीजें कर रहे हैं, चाहे वो इंटेंशनली चाहे वो अनइंटेंशनली, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अगर हमने कुछ भी गलतियां करी है या हमने कोई भी गलत हरकत करी है, उस गलती के हमें आगे जाके सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ते ही पड़ते हैं। मेन थिंग जो इस बुक पे बहुत अच्छे से दिखाई है कि रविंद्र सिंह जो है वो अपनी हर बुक में एक सोशल इशू को बिल्कुल डिस्कस करते हैं। जैसे इस बुक में जो उन्होंने डिस्कस करा है वो है कि ट्रैफिक रूल्स को लोग फॉलो नहीं करते हैं एंड कैसे अगर उनको अगर पेनल्टी भरनी भी पड़ती है तो जो हमारे ऑफिशियल्स भी होते हैं वो भी फाइन की जगह उनको लाइक कभी कभी सिर्फ वार्निंग देके या रिश्वत लेके छोड़ देते हैं। तो वो चीज कितनी गलत होती है, उसका आगे जाके हमें कितना बड़ा भुगतान भरना पड़ सकता है। तो दिस इज डेफिनेटली अ बिगनर्स बुक और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रीडिंग एक बहुत ही अच्छे नोट से शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज अ मस्ट रीड बुक। एंड आई मस्ट से कि ऑथर के अब तक जितना भी वर्क है उनका, दिस इज माय फेवरेट वन। सो ऐसे बुक रिव्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।